संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाअल्लाह की बात करें तो इंशाअल्लाह फिल्म जो है काफी लंबे समय से चर्चा में बनी हुई थी। ऑडियंस की ऐसी उम्मीदें थी कि सलमान खान और आलिया भट्ट की ये मूवी 2020 पर रिलीज हो जाएगी, लेकिन ऑडियंस की उम्मीदों पर पानी फिर गया। और अगर हम बात करें आलिया भट्ट और सलमान खान की, तो पहली बार ये लोग स्क्रीन शेयर करने वाले थे, पहली बार एक दूसरे के अपोजिट हमें नजर आने वाले थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो रिसेंटली ऐसी जैसे रिपोर्ट्स आई थी कि सलमान खान ने ये मूवी छोड़ दी है, अब ये चीज कंफर्म भी हो चुकी है। सलमान खान ने भी ये बता दिया है, ये कंफर्म कर दिया है कि इंशाअल्लाह मूवी जो है उनके साथ नहीं बन रही। जी हां, रिसेंटली सलमान खान जो है आईफा अवार्ड्स में पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया के साथ इंटरेक्शन करते हुए ये बता दिया कि इंशाअल्लाह मूवी बन रही है, शायद किसी और तरीके से बनेगी, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल नहीं बनेगी। ऐसी कुछ बातें कही हैं सलमान खान ने, आइए हम भी उनकी ये क्लिप देखते हैं। जी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जी, पिक्चर की बात नहीं कर रहा जी, अभी इंशाल्लाह नहीं बन रही है, इंशाल्लाह कुछ और बनेगी, मेरे साथ तो नहीं बन रही अभी। दूसरी ओर आलिया भट्ट से भी कंफर्म करने के लिए पूछा गया कि संजय लीला भंसाली के साथ और सलमान खान के साथ इंशाल्लाह के लिए वो कितनी एक्साइटेड थी। वही इंशाल्लाह के रिलेटेड आलिया भट्ट से सवाल भी पूछे गए, तभी आलिया भट्ट ने कहा कि वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी संजय लीला भंसाली के साथ काम करने के लिए और साथ ही साथ सलमान खान के साथ काम करने के लिए भी। आलिया भट्ट का कहना है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती और हम अपने अकॉर्डिंग उनको नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ये कंफर्म ज़रूर किया है कि वो संजय लीला भंसाली के साथ काम ज़रूर करेंगी। देखिए, आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू वर्क विथ संजय लीला भंसाली, ऑफ कोर्स वेरी एक्साइटेड टू वर्क विथ सलमान एज वेल। मेरा मानना है कि कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाते हैं विच इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। वैसे कहते हैं अगर भगवान को हंसाना हो तो उनको अपने प्लान्स बता दो, प्लान्स नेवर रियली गो एज पर प्लान, बट आई कैन गिव इट यू इन राइटिंग दैट आई एम गोइंग टू वर्क विद संजय लीला भंसाली वेरी सून, होपफुली विद। वहीं अगर आलिया भट्ट ने कंफर्मेशन दी है कि वो संजय लीला भंसाली के साथ काम करेंगी, लेकिन अगर वो इंशाअल्लाह में काम नहीं करेंगी, इंशाअल्लाह फिलहाल नहीं बन रही है, तो वो किस मूवी में काम करेंगी, ये सवाल उठ जाते हैं। जो यहाँ आलिया भट्ट काम कर सकती हैं संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म यानी गंगूबाई में। गंगूबाई में पहले प्रियंका चोपड़ा को लीड एक्ट्रेस लेने की बातें कही जा रही थी, लेकिन प्रियंका चोपड़ा का जो शेड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है, जिसके चलते अब हो सकता है कि संजय लीला भंसाली आलिया भट्ट को इसकी लीड एक्ट्रेस बना दें। और संजय लीला भंसाली के साथ आलिया भट्ट ने जो काम करने की कन्फर्मेशन दी है वो सच साबित हो जाए। अब देखना ये होगा कि संजय लीला भंसाली जो है इंशाअल्लाह में ही सलमान खान की जगह किसी और को लेते हैं आलिया भट्ट के साथ, या फिर संजय लीला भंसाली आलिया भट्ट को गंगूबाई में लीड एक्ट्रेस रखते हैं।